नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। और आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा। भारतीय संविधान की विकास यात्रा, इस वीडियो में हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत परिषद अधिनियम, उसके बाद 1909 का मार्लेमेंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इतनी सारी चीजें, और बीच में यदि कुछ सुधार हुए हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो एकदम कंटिन्यू हमें ध्यान देना है, और हर साल इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। पिछले साल एक सरल सा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित पूछा गया था कि क्या नाम रखा गया था, है ना? तो संघीय वाला क्वेश्चन पूछा गया था। आज हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। कृष्णकांत, आप बताओ अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया? कितने वर्ष शासन किया? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई, 1947 में आजाद। हाँ, 200 वर्षों तक शासन किया, यही पूछना चाह रहा था मैं। हाँ दीक्षा, 200 वर्षों तक शासन किया, कब से कब तक? सर ये 200 तो अपना 1857 से चालू होता है, 1800 जब महारानी के पास हमारा चला गया था, तो 1857 से 1947 तक तो 90 वर्ष होते हैं भाई। हम 200 वर्षों की बात करते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग है, 1603 ऑनलाइन वाले मदद करें जरा कुछ, कैसे 200 वर्ष ऑनलाइन वाले बताएं, जल्दी बोलो। नहीं, इसमें भी थोड़ा सा सुधार करेंगे। गुड, यही उत्तर। प्लासी का युद्ध 1757, तब से पहली बार अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हुआ और प्रशासनिक व्यवस्था पर उन्होंने कब्जा किया। अभी तक तो दोहन कर रहे थे, ब्याज कमाते थे, लाभ कमाते थे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था पर कब्जा कब से हुआ? 1757, 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों का प्रमुख कौन था इसमें? लॉर्ड क्लाइव। कौन था? क्लाइव। इनके बीच में ये युद्ध हुआ था और इसमें बंगाल के नवाब की पराजय हुई। अब उन्होंने अपनी मर्जी से क्या किया, मीर जाफर को वहां का शासक बनाया, बंगाल का नवाब बनाया और वहां बंगाल का दोहन उसने करना शुरू कर दिया। तब उसे माना जाता है कि अब अंग्रेजों का शासन भारत में स्थापित हुआ। और 1757 से 1947 हुए ना, लगभग 200 वर्ष। तो ये 1757 प्लासी का युद्ध। उसके बाद में इस युद्ध की कमी बिसी को पूरा किया बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। और बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में? बंगाल का नवाब, नहीं, बंगाल के नवाब के बीच में नहीं हुआ, बंगाल का निर्वासित नवाब
नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की मिलीजुली सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और अंग्रेज कौन उस समय? मुनरो, मुनरो कौन थे? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। जब बक्सर का युद्ध हुआ तब बंगाल का नवाब कौन था? दीक्षा देखो बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछा है मैंने। हाँ मीर कासिम, मीर जाफर, मीर जाफर कौन था? मीर जाफर। देखो मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब तो बना दिया, लेकिन मीर कासिम ने क्या किया? वही सेना को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने उसका विरोध किया तो वो वहां से निर्वासित हो गया, और अंग्रेजों ने फिर से मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया, मीर जाफर को। ठीक, तो ये बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हमारे मुंह में रटा हुआ है रसगुल्ले की तरह, क्या मीर कासिम, क्या मीर कासिम, और गलत हो जाता है। बोलते कि मीर जाफर के बाद तो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था, तो गलत हो जाता है। मीर जाफर बंगाल का नवाब कौन था उस समय? मीर जाफर, और निर्वासित नवाब मीर कासिम। और इसमें भी अंग्रेजों की विजय और ये जो संयुक्त तो सेना थी इसकी पराजय। अब इसकी कमियों को इसने कैसे पूरा कर दिया? कमियों को ऐसे पूरा किया कि इसमें हुई इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि के तहत क्या हुआ? मुगल बादशाह की तो पेंशन निर्धारित कर दी, और साथ ही बंगाल बिहार और उड़ीसा की इनको दीवानी मिल गई। अब अंग्रेजों को मिल गई दीवानी, राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया। तो पूर्ण रूप से वास्तविक अब शासक बन गए, बड़े भाग के ये वास्तविक शासक बन गए। क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री में बक्सर के युद्ध का महत्व लिखिए, तो ये महत्व होता है इसका, क्लियर हो गया। और अब कंपनी क्या हो गई? एक सुदृढ़ स्थिति में आ गई। अब उनको भारतीय राजाओं से, नवाबों से कोई डर नहीं रहा, कोई डर नहीं रहा। अब वो बेधड़क होके काम करने लग गए। कंपनी गई भाड़ में, अब वो अपना हित साधने लग गए। अब कंपनी के नाम पर वो खुद ही व्यापार करने लग गए। अधिकारी बन के आते थे, खुद ही वस्तुओं का व्यापार करना शुरू कर दिया। कंपनी अलग व्यापार कर रही और अधिकारी खुद ही आते थे वहां से एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, और यहां से जाते थे राजा महाराजा के रूप में। कंपनी को कोई फायदा नहीं। अब इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश सरकार से 10,00,000 पौंड का कर्ज मांगा कंपनी के अधिकारियों ने। ब्रिटिश सरकार से 10,00,000 पौंड का कर्ज मांगा। तब ब्रिटिश सरकार को जरा सा एहसास हुआ, सर ये हो क्या रहा है? ये व्यापार करने के लिए जा रहे हैं और ये नुकसान में चल रहे हैं, जबकि पहले तो जो भी जाता था बड़ा करोड़पति बन के आ जाता था वहां से, और जब से कंपनी गई है तो ये नुकसानी में चल रही है, तो क्या गड़बड़ है? तो भाई कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण होना चाहिए, और कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए पहली बार 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो शुरुआत यदि भारत में यदि संवैधानिक प्रथा की हुई है तो वो हुई है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्यों लाया गया था बता दिया मैंने, कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए।
कंपनी घाटे में चल रही थी, ब्रिटिश सरकार से इन्होंने 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगा था, अतः ब्रिटिश सरकार इनकी गतिविधियों पर नजर रखना चाहती थी, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। क्लियर हो गई यहां तक बात अंकित जी? ठीक। अब क्या प्रावधान थे इसके, क्या प्रावधान थे? तो इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में ये सामान्य सी बात है, ऐसे लिख लो। तो इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, परिषद के 4 सदस्य थे, 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का, जो अपनी सत्ता का उपयोग, अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से करते थे, संयुक्त रूप से करते थे। संयुक्त रूप से मतलब चारों सदस्यों को बराबर बराबर अधिकार उसमें दिया हुआ था। तो सबसे पहले कंपनी पर, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। क्या? कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। तो कंपनी पर संसदीय नियंत्रण, संसद कौन सी? ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद। कंपनी कहां की? ब्रिटेन की। संसद कहां की? ब्रिटेन की। तो इन्होंने बोला, उन्होंने सोचा कि भारत में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। तो कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा पॉइंट, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर होता था, अब उनको दोनों प्रेसिडेंसियां, इससे महत्व दिया गया, इसे वरीयता दी गई कि अब 3 तो प्रेसिडेंसी थी। सबसे पहले कौन सी? पहली प्रेसिडेंसी मद्रास, उसके बाद बंबई और उसके बाद कलकत्ता। सबसे पहली प्रेसिडेंसी मद्रास, बंबई और फिर कोलकाता। तो ये 3 प्रेसिडेंसियां थी, लेकिन कलकत्ता में क्या हुआ, इनको दीवानी का अधिकार मिल गया था, तो वो ज्यादा बड़ा मैटर बन गया, यहाँ पे ज्यादा लाभ वाला फायदा था। तो बोला कि ये मुख्य हो गए और ये क्या हो गए, सहायक। तो तीनों गवर्नर पहले जो बराबर हुआ करते थे, अब उसमें वरीयता किसको दी गई? बंगाल के गवर्नर को। लिखेंगे, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का, तीनों प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसी मतलब वही कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त किया, नियुक्त किया गया। तो अब क्या बन गया, वो गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की घोषणा? ये जो विवाद होते रहते थे नवाबों से, बोलेंगे विवाद होते तो लड़ो मत भाई, इसके लिए कुछ शांतिपूर्ण तरीके से उसका निदान करो। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की घोषणा की गई। एक बार यही क्वेश्चन बन गया था एम दत्ता,
कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, और उसमें विकल्पों के बड़े अजीब से दिए, 1773, 1774, 1775, 1776। आप बताओ कौन सा विकल्प सही है? 73, 74, 75, 76 सही है। 74, 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
का रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन इसमें घोषणा की गई थी स्थापना कब की गई 1774 याद रखेंगे, तो घोषणा कब की गई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन स्थापना कब की गई 1774 में। कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध, निजी व्यापार पर प्रतिबंध। अब कंपनी के अधिकारी अलग से व्यापार नहीं कर सकते, पहले कर लेते थे वो, उनके भेंट गिफ्ट उपहार ये सब लेने के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। अगला पॉइंट ये, कंपनी के अधिकारियों के भेंट उपहार आदि पर प्रतिबंध अभी है क्या प्रतिबंध? अभी वर्तमान में अधिकारियों के गिफ्ट वगैरह लेने पर प्रतिबंध नहीं है, अभी भी है। भेंट या गिफ्ट लेना मतलब रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार, पैसे तो नहीं ले रहे हैं, अब उसने दिया तो हम क्या करें? लेकिन कोई किसी आदमी को कोई बीमारी तो है नहीं जो मैं इतना महंगा महंगा गिफ्ट लेके देने लगे, अब उसका कुछ ना कुछ काम निकालना होगा, तभी तो गिफ्ट दे रहा है। तो अभी भी प्रतिबंध है, किसी भी प्रकार के गिफ्ट वगैरह पर प्रतिबंध है। तो क्लियर, कंपनी के अधिकारियों के भेंट उपहार आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये तो इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, और इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और अन्य न्यायाधीश, अब यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ठंड के दिन पसीना आने लग जाए हमें, तो कितने न्यायाधीश थे इसमें? कुल कितने न्यायाधीश थे? अमरू तीन थे, आप बताओ सर। टोटल तीन। हाँ, ऑनलाइन वाले बताएं, एक मुख्य था, तीन अन्य थे, कुल कितने न्यायाधीश थे चार। एक मुख्य सर एलिजा एम्पे, अभी कितने हैं? इकतीस है ना, लेकिन नियुक्त नहीं है, उतने कम है, लेकिन स्वीकृत तो है। तो अन्य न्यायाधीश थे तीन, एक चैंबर्स, दूसरा लेमेस्टर और चैंबर्स और एक तीसरे थे हाइड। ठीक, मुख्य थे सर एलिजा एम्पे,
चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट, ये तीन अन्य न्यायाधीश थे। फिर क्या बोला, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त कर दिया गया। तो फिर गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का नहीं है अभी भी, कहां का है, बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब यहां देखो थोड़ी सी दिक्कत है, इसे हम बाद में भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, और उसमें क्या करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम दे देंगे भारत का गवर्नर जनरल, क्या बोल देंगे उसे, भारत का गवर्नर जनरल। तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब उसको क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। जब आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पूछूंगा मैं, क्लियर हो गया यहां पे। सत्रह का रेगुलेटिंग एक्ट क्लियर एकदम, प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, अंकित जी। अब हम आगे देखेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और ये है 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट क्या होता है, दो पार्टी, हाँ दो पार्टियों के भी समझौता हो जाना है ना। तो ये यही है, समझौता कैसे, कुछ कमियां रह गई थी, लोगों को लगता था रेगुलेटिंग एक्ट में ये भी करना था, ये भी करना था, ये फालतू कर दिया, तो दो पक्ष हो गए उसमें, तो वो सेटलमेंट कर दिया कि नहीं यार कुछ उसमें संशोधन कर देते हैं। तो ये है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, दो तीन लाइन लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने संशोधित अधिनियम पारित किया। पैराग्राफ बदल के लिखेंगे, इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया, ये क्वेश्चन आ जाता तब भी हम फेल हो जाते हैं, गलत कर देते ना, कि अंग्रेजों को भारत में कानून बनाने का अधिकार किस एक्ट के तहत मिला, तो हम जाते क्या यहां तक, हमारे दिन नहीं पहुंचते ना। तो याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन हमें ढूंढ के रखना पड़ता है, और एमपीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन
निकालते रहता है, जो से हमने पढ़ा है, लेकिन ऐसा सोचा ही नहीं ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। अगला देखेंगे हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखो बंगाल में जो है लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में क्या लागू किया था, द्वैत शासन लागू किया था। और जैसे ये आए कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में इन्होंने द्वैत शासन समाप्त कर दिया, द्वैत शासन समाप्त कर दिया। फिर 1773 का रेगुलेटिंग है, और फिर ये एज ऑफ सेटलमेंट 1781। तो देखा तो अभी भी आय कम हो रही है, तो क्या किया जाए इसके लिए, तो द्वैध शासन को नए रूप में लागू किया गया, नए रूप में लागू किया गया। तो क्या प्रावधान थे इसके, यदि हम देखें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन किया था वो था बंगाल में कार्नवालिस द्वारा दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की गई, दोहरे प्रशासन की व्यवस्था, शासन नहीं बोला मैंने, अभी प्रशासन है, पहले शासन था द्वैत शासन, अभी क्या है प्रशासन, मतलब काम करने की सुविधा के लिए। तो ये क्या था और दूसरा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन कब किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किस एक्ट के तहत किया गया, उत्तर मिल गया आप लोगों को, तो दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये दो बोर्ड बनाए गए और दोनों का काम अलग अलग। डायरेक्टर्स का था व्यापारिक मामलों में, व्यापारिक मामले, और इनका क्या था प्रशासनिक कानूनी मामले। तो ये याद रखना बराबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था व्यापारिक मामले, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का प्रशासनिक मामले, राजनीतिक मामले बोल सकता है इसको, राजनीतिक मामले भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी, पहले चार थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल के परिषद कितने सदस्य थे, चार, रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था ना, चार सदस्य, घटाकर तीन कर दिए, लिखो अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यों की संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गई, और गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया था इसके बाद, वॉरेन हेस्टिंग्स के स्थान पर किसको नियुक्त किया गया, कार्नवालिस को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, दीक्षा आप बताओ देखे क्यों कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, यही तो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, क्या बताया आपने, पीट्स ब्रिटेन में वो किसी पद पर थे, पद पर थे, यही तो पूछा जाता है, ऑप्शन दिए रहते हैं, गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, भारत सचिव थे, भारत मंत्री थे, कौन थे, पीएम, कौन थे, पीएम, ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश पीएम थे पिट्स, तो कौन थे ये,
प्रधानमंत्री थे ये, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड विलियम पीट। क्लियर हो गया 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब क्या मेन आधार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रहेगा और ये बाकी सब क्या है उसमें जो कमी बेसी हो रही वो परिवर्तन। जैसे आज भी हमारे यहाँ शासन प्रणाली का मुख्य आधार संविधान है और समय के साथ में उसमें संशोधन होते रहते हैं, तो वैसे मुख्य आधार 1773 का रेगुलेटिंग एक और अब उसमें जैसे जरूरत पड़ रही वैसा संशोधन हो रहा है। अब हम देखेंगे इंडियन चार्टर एक्ट, इंडियन चार्टर एक्ट 1793, इंडियन चार्टर एक्ट 1793। किसी ने पढ़ा है क्या इसे? कविता मैडम आपने? ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ा तो है, इतना पता है, वो उतना ही बहुत है। 1793 का रेगुलेटिंग एक। देखो इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करने वाले हैं। 1793, 1813 और 1833, ये तीन एक्ट, चार्टर एक्ट है और इससे संबंधित क्वेश्चन। तो इंडियन चार्टर एक्ट 1793 में कंपनी को व्यापार की स्वतंत्रता दी गई, पूर्ण स्वतंत्रता दी। अभी लिखना कुछ भी नहीं है, सुनो सिर्फ अभी सुनना है। तो 1793 के एक्ट ने क्या किया था, कंपनी को व्यापार करने की स्वतंत्रता दी। 1713 में क्या किया था, चीन और चाय, चीन और चाय को छोड़कर सभी प्रकार के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए, समाप्त कर दिए। 1793 में उन्हें व्यापार की स्वतंत्रता दी गई थी और 1813 में चीन और चाय को छोड़कर बाकी सब व्यापारिक एकाधिकार उसका समाप्त कर दिया। और 1833 में क्या किया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को ही समाप्त कर दिया, जो चीन और चाय के साथ बचा था उसको भी समाप्त कर दिया। मतलब कोई भी व्यापारी ब्रिटेन से आके भारत में व्यापार कर सकता है। तो तीनों चीजें, तीनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई 1813 लगा देता है, कोई 1833 लगा देता है, अंदाजे से लगा देते हैं। कब कुछ लोग तो इतने शातिर होते हैं, पेपर बनाने वाले नहीं, सॉल्व करने वाले, क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं है और टिक लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, टिक लगा देते हैं, पढ़ते भी नहीं है और टिक लगा देते हैं, बोलते 1833 का तो चार्टर एक्ट है, 1793 में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, सुना भी नहीं हमने, कभी पढ़ा भी नहीं, तो हुआ भी नहीं होगा, ऐसा भी कर देते, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन आपको समझ में आ गया, आप समझदार बच्चे हैं। तो इंडियन चार्टर एक्ट 1793 इसके विषय में लिखेंगे अपन। कंपनी को पूर्ण रूप से व्यापारिक स्वतंत्रता प्रदान की गई, व्यापारिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। गवर्नर जनरल मंत्रिपरिषद द्वारा लागू नीति को बदल सकता था, बदल सकता था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, देखो 1819 का पीएससी में, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हमने नहीं पढ़ा 1713 में, कहां से करेंगे, फिर 1833 और 1813 में ही हम उलझे रहते हैं। अगला, समस्त कानूनों का अनुवाद, समस्त कानूनों का अनुवाद भारतीय भाषा में किया जाएगा। क्या, समस्त कानूनों का अनुवाद भारतीय भाषा में किया जाएगा, भारतीय भाषा में किया जाएगा, भारतीय भाषा में किया जाएगा। अगला यदि देखें तो नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों, नियंत्रण
बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई अब भारत के लिए काम कर रहे हैं तो वेतन भारत में से दिया जाए, काय को ब्रिटिश सरकार दे। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है पता ही नहीं आप लोगों को, बन सकता है किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात की गई थी। ये क्वेश्चन कंट्रोलर का गठन तो हमने देखा 1784 के एक्ट के तहत हुआ था, लेकिन वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा ये कब? 1793। अब हम पढ़ेंगे इंडियन चार्टर एक्ट, बता दिया मैंने भी इसकी मुख्य बात क्या थी, बता दिया चीन और चाय को छोड़कर लिखेंगे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग कंपनी की शोचनीय स्थिति दयनीय स्थिति के कारण अठारह सौ तेरह का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित किया गया अब क्या प्रावधान थे उसमें, एक तो लिख लो पहले फिर दूसरे पे चर्चा करेंगे। एक तो यह चीन तथा चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या है आप बताएंगे क्या? एकाधिकार समाप्त कर दिया मतलब सिर्फ उन्हीं का राइट नहीं है उसमें। गुड, बहुत शानदार, उन्हीं का राइट नहीं है, अब कोई भी आ सकता है, ब्रिटेन का कोई व्यापारी व्यापार कर सकता है, लेकिन किसको छोड़कर? चाय के साथ नहीं कर, चाय का व्यापार नहीं कर सकता और चीन के साथ नहीं कर सकता, बाकी दूसरे देशों के साथ कर सकता। ये अगला ईसाई मिशनरियों को दूसरा पॉइंट, ईसाई ये क्वेश्चन भी बना है एग्जाम में, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई अठारह सौ तेरह से पहले ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर धर्म प्रचार का कोई राइट था क्या? नहीं, कोई अधिकार नहीं था, लेकिन अब तो उनको वहां ग्रांट वगैरह मिलता था ब्रिटेन में, ये पैसा लो और जाके भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया यहाँ पे,
कि किस एक्ट के द्वारा अनुमति दी गई, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा अमरदी क्लियर है। और क्या था इस एक्ट के द्वारा, अब कंपनी, अब ब्रिटिश सरकार ने बोल दिया कि अब नहीं है कभी भी, मतलब कोई कानून नहीं बनाते जाएंगे। अब जैसे जब कंपनी की स्थापना हुई थी तो कितने अलग अलग साल के लिए उसे अनुमति देते थे, तो अब ये नियम बना दिया कि 20-20 साल के लिए इनकी लीज अब एकदम क्लियर कर दिया, 20-20 साल के लिए, हर 20 साल के बाद आपको फिर से अनुमति लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के जो अधिकार पत्र था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। क्लियर हो गया? कंपनी की स्थापना कब? 1599 में ही हो गई थी, लेकिन 1600 ईस्वी में उसे वैधता दी गई। कौन था उस समय ब्रिटेन का शासक? एलिजाबेथ, फिर जेम्स, फिर कौन? जेम्स। ये दो तीन नाम उसमें जुड़े हुए। अब हम देखेंगे चार्टर एक्ट, लेकिन कौन सा? 1833, 1833। जैसे प्लासी के युद्ध ने, बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध की कमियों को दूर कर दिया था, वैसे ही 1833 के चार्टर एक्ट ने 1813 की कमियों को दूर कर दिया। क्या कमी थी इसमें? चीन और चाय पे व्यापार का एकाधिकार, क्यों? इसे भी खत्म कर दिया जाए। ठीक, तो यही किया गया इसमें। अब इस अधिनियम का दूसरा नाम कोई बताएगा क्या? ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट है कोई भी बता सकता है इस एक्ट का दूसरा नाम। और ये जो एक्ट बनते थे ना, ये जो एक्ट बनते थे वे कंपनी के ऊपर लागू होते थे, सिर्फ भारत के ऊपर लागू नहीं होते थे। किसके ऊपर लागू होते थे? कंपनी के ऊपर। कंपनी का व्यापार देखो, हम चीन के साथ पढ़, अमेरिका के साथ भी होता था, तो वो सभी देशों के ऊपर एक साथ लागू हो जाता था। सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के ऊपर लागू होता था, सभी देशों के ऊपर एक साथ लागू हो जाता था। तो इस एक्ट का दूसरा नाम क्या है? सेंट हेलेना एक्ट। क्या है दूसरा नाम? सेंट हेलेना एक्ट या सेंट हेलेना अधिनियम भी इसे कहते हैं। पहली बार सुना है हमारे दीप तो लग रहा है कि पढ़ा था आपने पहले कभी? मैंने पढ़ा है, मुझे तो नहीं लगता है। सेंट हेलेना एक्ट भी इसे कहते हैं, क्योंकि सेंट हेलेना द्वीप का अधिग्रहण किया था इस एक्ट के तहत। सेंट हेलेना द्वीप का अधिग्रहण किया था ब्रिटिश सरकार ने, तो इसलिए इसे सेंट हेलेना एक्ट भी इसे कहते हैं। अब एक बात क्या बताई थी मैंने इसकी, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल बताया था ना मैंने शुरू में। अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो सबसे पहले कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कब बना था वो भी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर बना दिया बंगाल का, और जो वहां का गवर्नर जनरल था क्या बन गया? वो भारत का गवर्नर जनरल। तो लिखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया। और कौन बना पहला गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी
बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति, विधायी शक्ति से क्या कर दिया, वंचित कर दिया, विधायी शक्ति से वंचित कर दिया, वंचित कर दिया। अब इनको बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी कानून नहीं बना सकते, कानून कौन बनाएगा, सिर्फ प्रेसिडेंसी, और वहां पे कौन है, गवर्नर जनरल, वो जो कानून बनाएंगे वो तीनों प्रेसिडेंसियों पर लागू होंगे, ये दोनों प्रेसिडेंसी कानून नहीं बना सकती थी। पहली बार तीसरा पॉइंट, पहली बार भारत में अंग्रेजों के कब्जे वाले पूरे क्षेत्र पर अधिकार रखने के लिए भारत सरकार बनाई। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने कब बोला था कि ब्रिटिश प्रांत है करके, कब बोला था, 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, कि ये जो कंपनी ने जिस पर अधिकार कर लिया किसके प्रांत है, ये ब्रिटिश प्रांत है, ये पहली बार बोला था, नोट कर लेना कहीं। सदस्य संख्या, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसकी सदस्य संख्या पहले कितनी थी, 4, 1773 में 4, 1784 में 3, वापस 4 कर इस एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल की काउंसिल की सदस्य संख्या पुनः 4 कर दी गई, पुनः 4 कर दी गई। और कोई प्रावधान बताया जो एकांत छूट गया हो, तो जैसे सती प्रथा का अंत हमने पढ़ लिया 1829 इसी साहब ने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, गुड ताली बजाएं आपके लिए, दास प्रथा पर प्रतिबंध इस एक्ट के तहत, क्या दास प्रथा पर प्रतिबंध लिखेंगे, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। और क्या किया, और कुछ अमरु अंकित, स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र व्यापार, हाँ वो तो लिख देंगे, और क्या किया है? सबसे महत्वपूर्ण और एक बात छुपी हुई है जी, विधवा पुनर्विवाह 1856, दिल्ली दूर है, अभी कलकत्ता में ही है अपन, हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो लिखवाना था मुझे पहले, कंपनी के पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, चीन और चाय के भी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, आप अपने शब्दों में लिख लो इसे, ठीक। एक और बात छूटी हुई है, वो पूछना चाह रहा था मैं, विधि आयोग की स्थापना, क्या बोला ऑनलाइन वालों ने, कुछ बोला क्या, हाँ विधि आयोग की स्थापना, यही पूछना चाह रहा था, विधि आयोग की स्थापना, विधि आयोग की स्थापना, ठीक। अब क्लियर हो गया है हमारा 1833 का चार्टर, ठीक, कुछ छूटा गया सरिता, ठीक है, आगे देखेंगे 1853 का चार्टर है, चार्टर एक तब 20-20 साल के लिए लीज बढ़ा रहे उससे, तो अब क्या होगा 1853 का चार्टर, एक छुपा हुआ चार्टर एक्ट है, भारत में भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत, यदि क्वेश्चन आ जाए
प्लीज चार्टर इट। ये बोला कि भारत में जब भी भर्ती होगी, अभी लिखना नहीं है, समझ लो पहले, भारत में जब भी भर्ती होगी तो प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से होगी। 1853 प्रति कौन कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, सिविल सेवा का जनक लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी कब बना? 1853 में। तो क्या कड़ी से कड़ी जुड़ते चल जाते हैं, फिर हमें क्वेश्चन भी आने लग जाते हैं। लेकिन जब हम उसके बीच में तालमेल नहीं करते ना, फिर हमारे क्वेश्चन गलत होने लग जाते हैं। ठीक, लिखेंगे। इस एक्ट में सिविल सेवकों की भर्ती एवं इस एक्ट में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। नया क्वेश्चन मिला हमें, एक पढ़ा तो पहले भी होगा लेकिन कभी चर्चा ही नहीं की। भारत में पृथक विधान परिषद का गठन कब किया गया? 1853। विधान परिषद का गठन। अगला पॉइंट। अब बंगाल में तो गवर्नर जनरल था, अब उसे पूरे भारत का देखना है तो फिर बोलेगा यार मेरे को वेतन एक जगह का मिलता है, दो दो काम कैसे करूं? तो फिर क्या करेंगे? फिर बंगाल के लिए तो और अलग से गवर्नर रखना पड़ेगा। तो यही काम किया। क्या किया? लिखेंगे, बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। अब क्या था है? इस एक्ट के तहत 1854 मेकाले आयोग का गठन। इस मतलब नियम नहीं है, नियम के तहत क्या किया गया है ना, मेकाले आयोग का गठन। लिखेंगे, 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मेकाले आयोग का गठन किया गया। मेकाले आयोग का गठन किया गया। ठीक है, यहां तक। अब ICS की परीक्षा, अब बात करें कि जो भी परीक्षा होगी, जो भी भर्ती होगी, वो काहे के माध्यम से होगी? सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होगी। 1853 बोल दिया। तो पहली बार कब आयोजित की गई है भाई? ऐसा तो नहीं 1853 में ही तो नहीं हो सकता ना? 16 जुलाई 1855 भारत में, मतलब सिविल सर्विसेज का एग्जाम भारत के लिए, भारत में नहीं, भारत के लिए सर्वप्रथम कब आयोजित किया गया था? तो वह 16 जुलाई 1855 कब? 16 जुलाई 1855 कहां पे होती थी ये परीक्षा? लंदन में। लैंग्वेज मीडियम क्या होता था? इंग्लिश। मीडियम क्या होता था? इंग्लिश। और आयु क्या थी? 18 से 23 कुछ, 23। अभी बढ़िया है, बुड्ढा भारत 45 साल तक
पढ़ने लिखने की उम्र में खेलू, फेसबुक व्हाट्सएप पे अपनी पूरी एनर्जी खत्म करो। जब सब कुछ खत्म हो जाए तो फिर बात करो, नौकरी चाहिए मुझे, अब 40 साल हो गए, अब क्या चाहिए मुझे, नौकरी चाहिए। ये है हमारे तो क्या उस समय आयु कहती 18 से 23 वर्ष। पहले भारतीय जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी सत्येंद्रनाथ टैगोर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं है, सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1865 में ये परीक्षा उत्तीर्ण की, 1865। इलाहाबाद में कब आयोजित की गई थी ये परीक्षा? कविता मैडम आप बताइए, इलाहाबाद में कैसे काम चलेगा फिर? और कोई बताए, पहली बार ही आयोजित की गई थी ना भारत, और भारत में अब 1922 में लंदन और इलाहाबाद में रखी गई थी यह परीक्षा, एक साथ में आयोजित की गई थी 1922 में। ये भी याद रखना, बराबर क्लियर हो गया है। 1833 का चार्टर एक, अब 20 साल बाद होना था 1853 के बाद, 73 में होता 1873, लेकिन बीच में क्या हुआ, 1857 की क्रांति, 10 मई 1857 की क्रांति, 10 मई 1857 की क्रांति, चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मुझे पता है आप नहीं थे, दूसरे किसी का नाम बता दो, आप बताओ सरिता। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मुझे हाँ अंकित, क्या मतलब है इतना पढ़ाने का यार, अकल क्या हमने कहीं वो ट्यूबवेल वगैरह किया तो उसमें डलते नहीं थे? कितना सरल क्वेश्चन पूछा मैंने, कितनी बार पढ़ाया होगा ऐसे, हिस्ट्री पूरा हमने खत्म कर दिया और अभी तक इतने सरल से क्वेश्चन का जवाब। लॉर्ड कैनिंग, सही बोला आपने, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। 1856 में क्या हुआ था, 1856 में लॉर्ड डलहौजी के स्थान पर लॉर्ड कैनिंग को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था, लेकिन आग तो लग चुकी थी, अब कोई भी आए, पेट्रोल तो डल चुका था ना, आए कोई भी, तो जिम्मेदार कौन था इस क्रांति के लिए? लॉर्ड डलहौजी। यदि पूछा जाए जिम्मेदार कौन था तो लॉर्ड डलहौजी, लेकिन 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और क्रांति हो गई, क्रांति खत्म हुई, और 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा, विक्टोरिया की जगह 2-3 नाम और दे देते हैं, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी विक्टोरिया की घोषणा। कहां पे पढ़ के सुनाई थी इसे? इलाहाबाद, इलाहाबाद में पढ़ के सुनाई थी। क्यों सुनाई थी इलाहाबाद में? श्वेता मैडम आप बताओ, इलाहाबाद में क्यों सुनाई थी? वहां नेटवर्क अच्छा था, पहली बार वहां एग्जाम हुआ था। बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने, लेकिन गलत। श्वेता मैडम आप बताएं, पूरी पब्लिक आपका इंतजार कर रही थी, इसलिए मैं बोलता हूं कि जब मैं पूछूं तब मुझे जवाब मिले तो मैं बोलूंगा ये स्टूडेंट पढ़ता है, बिना मेरे पूछे हुए कोई जवाब देता है, मुझे उनकी बातों को मैं सुने को अनसुना कर देता हूं, जब मैं पूछूं तब मुझे जवाब चाहिए। क्यों?
क्योंकि वहां राहत शिविर लगाया था। हमने पढ़ाया है आप लोगों को, अब पढ़ेंगे ध्यान से तो याद रहेगा, हमारा तो ध्यान दूसरी कोचिंगों पर ज्यादा रहता है। तो राहत शिविर था ना वहां पे, घायलों के लिए राहत शिविर था वहां पे, तो वही पब्लिक अंग्रेज पूरे वहीं पे थे, तो वहीं पे तो सुनाएंगे क्वेश्चन, क्लियर हो गई बात एकदम। ये क्वेश्चन पूछा गया था राहत शिविर कहाँ लगाया गया था, इसलिए हमने इसको डिटेल में समझाया। ठीक, क्लियर हो गई बात एकदम। तो इलाहाबाद में सुनाया था, किसने सुनाया था, वो भी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़कर सुनाया गया था। घोषणा किसकी थी, महारानी विक्टोरिया की, लेकिन महारानी विक्टोरिया का लंदन में और सुनाया का यहाँ पर इलाहाबाद में, तो कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। और इसी के आधार पर, महारानी विक्टोरिया की घोषणा के आधार पर ही क्या बना फिर भारत परिषद एक 1858, भारत परिषद एक 1858, भारत परिषद एक 1858, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या किया था इसमें, सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था, महारानी विक्टोरिया ने तो घोषणा में बोल दिया था कि अब भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया जाएगा, लेकिन जो है वो हमारे, जिस पे अधिकार कर लिया वो हमारे, भारत के बचे क्या नहीं। अब कंपनी का शासन नहीं रहा भारत के ऊपर इस एक्ट के द्वारा, अब किसका, ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि भारत का शासन कंपनी से लेकर, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, भारत का शासन कंपनी से लेकर किसको, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। अब तक कौन होते थे, एक तो गवर्नर जनरल होता था है? लेकिन अब ब्रिटिश संसद में भी एक सदस्य नियुक्त करते हैं और उसे क्या कहते थे, भारत मंत्री, भारत मंत्री ब्रिटिश है ना, संसद का एक सदस्य होता था उसे क्या बोलते थे, भारत मंत्री। तो भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, या भारत के लिए लिखेंगे, भारत के लिए मंत्री पद की व्यवस्था की गई, मंत्री पद की व्यवस्था की गई, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन। ये क्वेश्चन यहां और है एक छोटा सा, 15 सदस्य थे लेकिन ये बटे हुए थे कायम में, राज्यसभा लोकसभा हाँ, ब्रिटिश संसद और कंपनी, कंपनी के जो चांसलर थे, कंपनी के जो मालिक थे। अब ऐसा थोड़ी कि वे कंपनी के पे अधिकार तो कर लिया, लेकिन कंपनी के कुछ तो राइट्स थे ना, तो इसलिए उनके जो संचालक मंडल के सदस्य थे उसमें 7 और ब्रिटिश संसद के कितने, 8। जो 15 सदस्यीय जो भारत परिषद का गठन किया गया, इसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के थे और 7 सदस्य कहां के थे, कंपनी के। क्लियर हो गया अब बात एकदम जो बताना चाह रहा हूं। तो 15 सदस्य थे, तो इसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक या संचालक मंडल। अब जो मुगल सम्राट का जो पद था उसका क्या हुआ, मुगल सम्राट को क्या कर दिया था 1857 की क्रांति में, कहा क्या कर दिया था मुगल जो बादशाह हुआ करता था, तो 1764 का युद्ध पड़ा उसमें क्या किया था, उसे पेंशन दे, पेंशन
दे दी थी। लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई तो क्रांतिकारियों ने उनको अपना नेतृत्व करता माना, नेतृत्व उन्हें दिया। हडसन निकोलस इन्होंने क्या किया, उनको गिरफ्तार कर लिया। कहां से किया था? हुमायूं के मकबरे से। और उनको रंगून निर्वासित कर दिया, रंगून भेज दिया, बोले अब तुम्हारा पद खत्म, सब कुछ खत्म, अब यहां तुम्हारा कुछ नहीं बचा। रंगून निर्वासित कर दिया। कुछ दिनों के बाद में वही उनकी डेथ हुई। और बड़े शायर, इतना बदनसीब है जफर कि उसे 2 गज जमीन मिली है, ये उन्होंने बोला है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उसे कहां निर्वासित किया था? रंगून निर्वासित कर दिया गया था। तो अब मुगल बादशाह का जो एक पद, नाम मात्र का पद बचा हुआ था, उसे भी समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन बनेगा याद रखना, क्या मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया? अब इससे पहले व्यवस्था के लिए 2 पद थे हमारे यहाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दोनों समाप्त कर दिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दोनों पद समाप्त कर दिए गए। गठन 1784 में किया था इन दोनों बोर्ड का, और खत्म कब किया? 1858। याद रहेगा बराबर दीक्षा? yes, समझ में आ रहा है? कुछ पहले पढ़ा था आपने मेरे से हिस्ट्री? yes, पढ़ लिया आपने एक बार? हिस्ट्री में पढ़ाया, पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ाया ना? नहीं, चलो ठीक है, बहुत समझदार हुआ। अब जब ये दोनों पद समाप्त, दोनों बोर्ड खत्म कर दिए, अब एक तो पढ़ लिया अपन ने, भारत परिषद का गठन किया था, अब दूसरा क्या, इसके स्थान पर क्या किया? इसमें एक नए पद भारत के लिए सचिव के पद का सृजन किया गया। 2 पद हो गए, भारत मंत्री और भारत सचिव। बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म, भारत मंत्री और भारत सचिव, जैसे मार्ले मिंटो उस तरीके के। क्लियर हो गया? ये भारत के लिए एक नए पद, भारत सचिव पद का सृजन किया गया। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है इसमें, एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। ये सुषमा मैडम बताएंगे क्या कौन सा परिवर्तन किया गया? चलो ना, हाँ ठीक है, वो तो खत्म हो गया। और कोई परिवर्तन जो मैं चाह रहा हूं? नंदनी जी आप बताएंगे, घोड़ा डोगरी वाली नंदनी मैडम, क्या परिवर्तन किया गया? अरे बड़ा महत्वपूर्ण, नहीं सचिव, सेना का पुनर्गठन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण परिवर्तन। जैसे हमने देखा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया था, बंगाल का गवर्नर जनरल, 1833 भारत का गवर्नर जनरल, और 1858 वायसराय। जो गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया, मतलब गवर्नर जनरल का पद तो है लेकिन नाम बदल दिया, पहले कंपनी की तरह से होता था तो गवर्नर जनरल, अब क्राउन का सदस्य है, क्राउन नियुक्त कर रहे तो क्या बने, वायसराय। कौन था? वायसराय। तो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। यहां क्वेश्चन उलझता है अक्सर, सब कुछ पता होने के बाद। अब देखो कैसा क्वेश्चन उलझता है, तो देखो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम
बेंटिक एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 में इसी को बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अब इसके आगे भी है वैसे, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, नहीं जी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपाल। अच्छा ठीक, उसे बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना। यहां तक बात क्लियर हो गई? ऑनलाइन वाले कोई कुछ बोलना चाहे? हाँ जी, अंतिम भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, उसे हम बाद में पढ़ेंगे ना, अभी थोड़ी, अभी तो यहीं तक कहानी पहुंची है, उसे हम बाद में एड करवाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब यहां से चार्टर एक्ट का नाम बदल गया और क्या हो गया? परिषद अधिनियम, क्योंकि भारत परिषद बनाई थी, 15 सदस्य एक परिषद बनाई थी, तो अब जो भी वो नियम बनाती थी तो उसे क्या कहते थे? भारत परिषद एक्ट। अब हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद एक्ट 1861, भारत परिषद एक्ट 1861। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। विभागीय प्रणाली क्या होता है? विभागीय प्रणाली सरकार है, सरकार में एक गवर्नर जनरल बना दिया, क्या वो गवर्नर जनरल ही शिक्षा भी देखे, स्वास्थ्य भी देखे, रेलवे भी देखे, सब कुछ देखेगा क्या? नहीं, वे अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग व्यक्ति, जैसे रेलवे बड़ा विभाग बन गया था ना 1853, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चल चुकी थी, तो फिर रेलवे भी एक विभाग बन गया, व्यापार विभाग अलग, कृषि विभाग अलग, तो बोले अलग अलग विभाग का काम अलग अलग व्यक्ति देखे, तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्या? हाँ ठीक है, ठीक, सही बोले आपने, बहुत बढ़िया जवाब आपका।
अब गवर्नर जनरल तो भूतकाल की बात हो गई। वायसराय गवर्नर जनरल क्यों लिखे? क्या वायसराय, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहली बार गवर्नर वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई? 1861। बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत व पंजाब में, व पंजाब में विधान परिषद, विधान परिषद स्थापित करने की, स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई, स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, अब भारत के लिए विधान परिषद का अधिकार तो पहले ही आ गया था, लेकिन अब जैसे अभी बात करें ना, भारत के कई प्रांत ऐसे जहां विधान परिषद है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये शुरुआत कब हो गई? 1861 में। राज्य चाहे तो अपने लिए विधान परिषद बना सकते हैं। ये शुरुआत कब हुई? 1861 में। सबसे पहले कौन से राज्यों को दी गया? बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब। अगला पॉइंट लिखेंगे, कानून बनाने की प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत, मनोनीत करते थे इनको, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत। और किसको शामिल किया था? सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा और एक शिक्षाविद थे, सर दिनकर राव। सर दिनकर राव, 3 लोगों को मनोनीत किया गया, 3 लोगों को मनोनीत किया गया। अब जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, अब बता देना फाइनली कितने सदस्य थे? 4 थे। ठीक, 1773 में 4, 1784 में 3, 1833 में 4 कर दे। अब 5वां सदस्य फिर जोड़ा गया उसमें, और वो कौन सा था? विधि सदस्य। लिखेंगे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5वां सदस्य विधि सदस्य जोड़ा गया। और विधि सदस्य जोड़ा गया और प्रशासनिक कार्यों से, प्रशासनिक कार्यों से विधि कार्यों को अलग किया गया। क्लियर हो गया? अब विधि विभाग ही एकदम अलग कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया? 1861 का, और हमने अध्यादेश पहले लिख लिया इसलिए दोबारा नहीं बोलूंगा। संकटकालीन स्थितियों के लिए पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अब हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद एक 1892
बानवे 1892 1892 यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अप्रत्यक्ष निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत में पहली बार चुनाव की बात की गई लेकिन वो भी कैसा अप्रत्यक्ष निर्वाचन भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत मैं जो लिखवाता हूं वो पत्थर की लकीर एक एक चीज हमें पता होना चाहिए एक लाइन भी लिखवा रहा हूं तो समझ लो उसमें से क्वेश्चन बन सकता है यदि कोई इसमें से भी शॉर्ट करने की कोशिश करे इसको छोड़ लेता हूं इसको याद कर लेता हूं तो फिर उनको 2045 की पीएससी की तैयारी करना पड़ेगा याद रखो जो पूरा पड़ेगा उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं इसी बारे में हो जाएगा क्या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इसके द्वारा बजट पर बहस करने ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी इसके द्वारा बजट पर बहस करने क्या बजट पर बहस करने व प्रश्न पूछने की अनुमति यह प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई दोनों याद रखना अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आय व्यय पर बहस भी बोल सकते हैं और आय व्यय को ही हमने मिलाकर क्या लिख लिया बजट आय व्यय को क्या लिख लिया बजट आपकी समझ में आ रहा है ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं दूरदर्शन देख रहा हूं पक्का ना अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में अब गांधी जी का आगमन नहीं हुआ ना गांधी जी का आगमन तो नहीं हुआ लेकिन भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी 1896 कलकत्ता अधिवेशन कौन सा स्वदेशी एवं बहिष्कार तो इस चक्कर में जो है वो ढेर सारी शुरुआत राष्ट्रीय आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और ये वो बंगाल में कुछ नेता महाराष्ट्र में तो इस तरीके से पंजाब में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होने लग गई थी और अब पब्लिक क्या कर रही थी अब ब्रिटिश सरकार से मांग करने लग गई थी अब वो क्या करते थे अब भारत शासन अधिनियम अब इसके बाद से क्या होगा भारत शासन अधिनियम तो भारत शासन अधिनियम या क्या बोलते हैं इसे मार्ले मिंटो सुधार और ये कब होगा 1909 मार्ले मिंटो सुधार क्योंकि इस समय बड़े विशेष परिवर्तन अभी बताएं मैंने 1905 बंगाल विभाजन 1906 मुस्लिम लीग की बंगाल का विभाजन हो गया था मतलब भारत में जो हिंदू और मुस्लिम मिलकर जो अंग्रेजों से संघर्ष करना चाहते थे तो इनकी राष्ट्रीयता की भावनाओं को तोड़ने के लिए एकता की भावनाओं को तोड़ने के लिए क्या किया उन्होंने बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय एक दल पहले गठित हो चुका था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 अंग्रेजों ने एक नए दल का गठन करवा दिया मुस्लिम लीग आगा खान और कौन सा मोहम्मद सादुल्ला खान इनके नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और अब आंदोलन शुरू यहां पर मांगों के लिए धरना प्रदर्शन ये सब कुछ शुरू तो इन्होंने क्या किया मार्ले मिंटो सुधार अब मार्ले और मिंटो
दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। मार्ले कौन? भारत मंत्री। और मिंटो वायसराय, लॉर्ड मिंटो, सचिव, ठीक है, सचिव जिसे कहते थे। मार्ले जो है वो सचिव और मिंटो भारत के वायसराय। ठीक, तो 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय। और सबसे पहली, अब यहां जो है जो फूट डालो और शासन करो वाली अंग्रेजों की नीतियां अब यहां पर एकदम सामने आने लगते। तो अब इसके जो की पॉइंट है इस अधिनियम के वो हम देखेंगे, तो वो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत जो है 1909 में हुई थी। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन एवं पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचन, पृथक मताधिकार। पृथक निर्वाचन मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे हुए जहां पे सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि खड़े होते थे, और पृथक मताधिकार मतलब उसको वोट देने के लिए कोई सिर्फ मुस्लिम लोग की वोट देंगे। तो ये व्यवस्था 1909 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और ये कुछ नहीं, ये सिर्फ फूट डालो और शासन करो की राजनीति। इसके बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बाद में इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स, चैंबर ऑफ कॉमर्स मतलब व्यापारिक गतिविधियों वाली चैंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, हाँ बोल दूंगा मैं, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, लिख लो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। क्लियर हो गया? पृथक प्रतिनिधित्व की बात की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए वायसराय की, वायसराय की परिषद की सदस्य संख्या, अब देखो पहले तो चार थे, पांच हो गए, यहां पर आकर जो है दस हो गई थी, दस बारह हो गई थी इसी में, अब यहां पर आकर कितनी होगी? वायसराय की सदस्य संख्या बढ़ाकर, बढ़ाकर 60 कर दी गई, सदस्य संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। अब इसमें से निर्वाचित, और वो भी कैसे निर्वाचित? अप्रत्यक्ष रूप से। तो निर्वाचित होते थे इसमें 33 और मनोनीत, मनोनीत कितने? 27। टोटल कितने थे? 60 सदस्य कर दिए, तो उसमें से निर्वाचित कितने होते थे? 33 और मनोनीत कितने? 27। 27 सदस्य मनोनीत होते थे। और कौन मनोनीत करेगा इनको? वायसराय। मनोनीत कौन करेगा? वायसराय। और निर्वाचन कैसा होता था? अप्रत्यक्ष रूप से, वही लोग भाग लेते थे निर्वाचन में जो मैट्रिक पास होते थे, अनपढ़ लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। और एक हिसाब से देखा जाए वो सोचते होंगे भाई जिसको जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसे लोगों को वोट देने का क्या अधिकार है? इसके वोट का तो क्या करेंगे? दुरुपयोग करेंगे, लोग खरीदेंगे उसे,
ऐसा लगता है ना कभी कभी ठीक भी कर लेते, लेकिन वोट देने का अधिकार तो सबको है। एक बात ये भी है, सबको वोट देने का अधिकार है। जब मतलब डिग्री जो है वो किसी के ज्ञान का पैमाना तो नहीं है, क्या जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको अच्छे बुरे का ये पता नहीं चलता कि ये आग है इससे हाथ जल जाता है, ये बर्फ है ये ठंडा होता है, क्या उसको पता नहीं रहता कि जो विज्ञान पढ़ेगा उसी को पता रहेगा। विज्ञान तो सबको होता है, डिग्री जो है वो ज्ञान का पैमाना नहीं। तो निर्वाचित सदस्य 33, मनोनीत 27, मनोनयन वायसराय के द्वारा किया जाता था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था, निर्वाचन में वोट देने का अधिकार सिर्फ मैट्रिक पास को होता था। अब देखो हमने इसमें क्या बजट पर बहस करने व प्रश्न पूछने का अधिकार पहले मिल गया था, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, फैक्ट है, भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, किसको? दीक्षा, लॉर्ड कितनी जल्दी गुमराह कर दिया ना मैंने, कितनी जल्दी गुमराह किया, अभी तो चुनाव भी नहीं हो रहे हैं, अभी चुनाव भी नहीं है फिर भी मैंने गुमराह कर दिया, तो चुनाव होते तो सोचो क्या कर सकते थे भाई, मिंटो पढ़ रहे ना अपन, मिंटो को पढ़ रहे, मार ले तो लंदन में बैठे हैं, मिंटो देख रहे हैं, मिंटो लॉर्ड मिंटो वायसराय थे उसके समय में हुआ था कि नहीं है, तो मिंटो को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मिंटो को लिखेंगे। भारतीय सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। आपने आप तो वहां तक पहुंच गए कैनिंग तक, लोग आप तो बिना पढ़े डलहौजी पे सील लगा देते, यही आदमी बदनाम है करके यही कर गया होगा ऐसा कुछ है ना। लॉर्ड डलहौजी के ऊपर इतिहास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो लोग लॉर्ड डलहौजी को ज्यादा चुन लेते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, अमरती बापा मोबाइल, भारत सरकार अधिनियम 1919, मैं देखो व्हाट्सएप पे कुछ भेजा था आपको, भारत सरकार अधिनियम 1919, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हमारा टाइम होते जा रहा है, अब ये कंप्लीट करना है हमें। भारत सरकार 1919, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, क्या? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, प्रथम राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा, पहला कौन सा? राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा, जैसे अभी है ना, क्या है अभी? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये कॉन्सेप्ट कब आया था? 1919 में आ गया। अगला, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, ये क्वेश्चन पूछा गया ना 2018 या 2019 में, पर सबका गलत हुआ, उत्तरदायी सरकार नोट्स में से क्वेश्चन आया था उसके बावजूद गलत किए हैं कई बार, तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना, हाई कमिश्नरी के पद की शुरुआत, हाई कमिश्नरी के पद की शुरुआत की गई, कब लागू किया गया था इसे, कब लागू किया गया था? ऑनलाइन वाले बताएं, कविता मैडम आप बता सकते हैं, श्वेता मैडम आप बता सकते हैं, बहुत ही शानदार, 1 अप्रैल 1921 से लागू किया गया और 1 अप्रैल 1937 तक ये लागू
रख, 1 अप्रैल 1937 तक ये लागू रख। अभी जो राज्य परिषद का गठन किया गया, राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60, राज्य परिषद की बात कर रहे हैं, राज्य परिषद, और इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60। दो संगठन बने थे उस समय, एक था राज्य परिषद और दूसरा है केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। तो राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60। उसमें से 34 निर्वाचित होते थे, 34, ये जो 60 थे इसमें से 34 निर्वाचित, और निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होगा? 5 वर्ष के लिए। अभी भी वही होता है, जो भी सदस्य निर्वाचित होता है कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष। तो निर्वाचित, निर्वाचन का कार्यकाल कितने? 5 वर्ष के लिए। केंद्रीय विधानसभा में अब पढ़ेंगे हम, इसमें सदस्यों की संख्या 144 जिसमें 104 निर्वाचित होते थे, 104 निर्वाचित, बचे कितने फिर? 40, ये क्या होंगे? मनोनीत। ये क्या होंगे? मनोनीत। और इनका निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता था? जी नहीं, 3 वर्ष। गुड, बहुत ही शानदार, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1919, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। अब 1935 में भी पढ़ेंगे, तब क्या पढ़ेंगे हम? प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त किया गया, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, और ये जो प्रांतों का द्वैध शासन कहां लागू किया गया? केंद्र में लागू किया गया। ये बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं लिखते, अभी क्या किया? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। किसे कहा जाता है प्रांतों में द्वैध शासन का जनक? प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनीस कार्टियस, प्रांतों में द्वैध शासन का जनक क्या? लियोनीस कार्टियस, लियोनीस कार्टियस, प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनीस कार्टियस। 8 प्रांतों में विधान परिषद बनाया था, 8 प्रांतों में विधान परिषद बनाया था। टोटल कितने प्रांत थे उस समय, कोई बताया जाए? 11 थे। कितने? 11। उसमें से 8 प्रांतों में विधान परिषद था, बंगाल, बंगाल में 123 सदस्य, नहीं ये उत्तर पश्चिम प्रांत में 123 है, बंगाल में 123, पंजाब में 93, बिहार उड़ीसा में 70। जरूरी भी नहीं है ये लिखना, फिर भी नोट कर लेते हैं। क्या बताया मैंने? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 127, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 127, बंगाल में कितने बताए? 123, पंजाब में 93, बिहार उड़ीसा 70, और आसाम में 53, इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड,
मॉन्टेग्यू कौन थे इसमें? भारत सचिव मॉन्टेग्यू, और चेम्सफोर्ड भारत वाइस। मॉन्टेग्यू सचिव और चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय। इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्या खासियत थी इसकी? पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, याद पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार। १९२६ में क्या किया था अमरदीप? मुस्लिमों के साथ सिख और बाकी लोगों को भी संप्रदाय। 1926 की बात कर रहा हूँ, तो 1919 में ही, 1935 में होगा, 1926 में ली आयोग क्या है? ली आयोग की स्थापना, काय की सुधार पर अपने उसकी स्थापना की गई थी। साथ में इसकी अपने उसकी ससुराल वालों के नाम बता रहे हो क्या? लोक सेवा, लोक सेवा, गुड, बहुत शानदार, ये तो सही है यार। अपने शब्द वापस ले लेता हूं मैं। लिखेंगे 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन, जो द्वैध शासन प्रांतों में था, प्रांतों में द्वैध शासन बोला हमने है, और ये जनक ये थे, तो प्रांत वो जो विषय जो थे उसको कितने भागों में बांटा था? दो भागों में बांटा था। जैसे बाद में ये केंद्र में लागू कर देंगे तो केंद्र में विषय को कितने भागों में बांट देंगे? तीन भागों में, और यहाँ पे कितने भागों में? दो। तो ये आरक्षित विषय, एक थे आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, और दूसरे कौन से थे? हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो होते थे केंद्रीय महत्व के होते थे, और अंग्रेज इसमें भारतीयों की सहभागिता कुछ भी नहीं चाहते थे, ये मतलब उनके लिए आरक्षित थे, उनके ऊपर वही काम कर सकते थे। इसमें थे वित्त, आरक्षित विषय में डैश लगा के लिखेंगे, क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। वित्त, भूमिकर, भू राजस्व, सरकार की आय का बड़ा स्रोत था भू राजस्व, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापा खाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान मतलब खदाने, कारखाने में अंतर है, खान मतलब खदानों को खोद के निकाले जाते, और जो खनिज पदार्थ निकालेंगे उसके आधार पर कारखाने बनेंगे। बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह व सार्वजनिक सेवाएं
सेवाएं, इन सब पर ये आरक्षित विषयों के अंतर्गत। किसके लिए आरक्षित? वायसराय वो उसकी परिषद के लिए आरक्षित हुआ करते थे। अब हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय शिक्षक, शिक्षक पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय प्रशासन, चिकित्सा सहायता, पीडब्ल्यूडी मतलब सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, आबकारी तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन, धार्मिक व अग्रहार कर, धार्मिक व अग्रहार कर। तो ऐसे कुछ पाठ आरक्षित विषय में, कुछ हस्तांतरित विषय के अंतर्गत। तो प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनेस कार्टियस, लियोनेस कार्टियस। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किया गया था? 1909। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू किया गया? 1921। लागू कब किया गया बात को समझो, 1921। लाया कब था? 1919 में। पर इस सुधारों को लागू कब किया गया? अप्रैल 1921। अब हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 अब तक का सबसे बड़ा सुधार, सबसे बड़ा अधिनियम, भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसी का है तो है भारत शासन अधिनियम 1935। कितनी धाराएं थी इसमें? 300। और बताएं कोई? श्वेता मैडम कितनी धाराएं थी? 321। कितनी अनुसूचियां थी? कितनी अनुसूचियां थी? 10। कितनी अनुसूची? 10 अनुसूची, 10 अनुसूची। कितनी अनुसूची? 10। इधर आने दो, जो मैंने भेजा था व्हाट्सएप वो निकालो। कितनी अनुसूची? 10। भारत शासन अधिनियम 1935। कितनी धाराएं? 321। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सर्च करना पड़ सकता। क्या किया था इसमें? प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों का द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 1919 में। तो वो समाप्त कर दिया गया कब? 1935 में। और केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। दो तीन क्वेश्चन एक साथ में। प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई? 1935 में।
प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया? 1919 में। प्रांतों का द्वैध शासन कब समाप्त किया गया? 1935 में। याद रखेंगे बराबर ये तीनों चीजें। तो प्रांतों का द्वैध शासन उठाकर कहां लाया गया? केंद्र। प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में लाया गया। अब इसको अच्छे से जैसा चाहे वैसा समझ लो। प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और वो द्वैध शासन अब कहां लाया गया? केंद्र में लाया गया। भारत में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कहां की गई थी? यहां पे भी फेल हो जाते हैं सब लोग। कहां की गई थी अमरु? कोलकाता में की गई। तो 1773 में कहां की गई थी? बात करते हुए सर, ये फेडरल न्यायालय वहां पर, फेडरल न्यायालय दिल्ली में, आज जो सर्वोच्च न्यायालय बनेगा। तो फेडरल न्यायालय कहां स्थापित किया गया? दिल्ली में। याद रखना बराबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। कहां पर? दिल्ली में। लोग कलकत्ता ही लिखेंगे, गलत हो जाएगा है? और पीएससी जानता है कि हमारे बच्चे कहां कंफ्यूज होंगे, वो ऐसे छाड़ के क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आगे लिखेंगे। इस अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक, क्या बोलते हैं इसे, क्या नाम दिया गया था भारत का? पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, क्या बोला गया है? ना, पिछले साल क्वेश्चन क्या पूछा था इससे संबंधित? ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ। सब कंफ्यूज हुए थे ना इसमें, भारतीय संघ, भारतीय संघ लिख के आ गए थे, अखिल भारतीय संघ की बात की थी उन्होंने। अखिल भारतीय संघ की बात उन्होंने की थी। इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ के स्थापना की बात की गई। ग्यारह राज्यों में से छह राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था। ग्यारह राज्यों में से छह राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई। आगे लिखेंगे। जो सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या किया था इसमें? विस्तार किया गया। और कैसे विस्तार किया गया? आगे लिखेंगे। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था। तीन सूचियां बनाई थी इसमें, कितनी? तीन सूचियां, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीन सूचियां बनाई थी। तो पहली सूची जिसे क्या बोलेंगे हम? संघीय सूची। संघ नहीं, कौन सा? संघीय। संघ सूची जो है कब आएगी? संविधान में, अरे भारत शासन अधिनियम में। क्या नाम था? संघीय सूची, क्योंकि संघ क्या था? फेडरल था, तो इसलिए उसका नाम क्या रखा? संघीय सूची। और इसमें थे 59 विषय। कितने विषय? 59। इसके बाद में राज्य सूची 54। राज्य सूची कितने विषय दिए? 54। और फिर समवर्ती सूची
और संवर्ती सूची में विषय कितने 36 और जो 1858 में जो भारत सचिव का पद था जो क्रिएट किया था 1935 में भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। दो और महत्वपूर्ण परिवर्तन, एक आरबीआई की स्थापना, और क्या बर्मा को भारत से अलग करने की घोषणा। ठीक, तो आरबीआई की स्थापना की बात की और करबिली 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना और बर्मा को भारत से अलग करने की घोषणा की गई और 1937 में उसे अलग कर दिया। यहां क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है, घोषणा कब की गई 1935 में, अलग कब किया गया 1937 में, 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। वो जो संघीय न्यायालय की भी बात की ना हमने दिल्ली में, वो भी 1935 में घोषणा की थी, लेकिन संघीय न्यायालय दिल्ली में 1937 में बना था, 1937 में ही बना था। बड़ा विस्तृत अधिनियम हमने पढ़ा, 321 अनुच्छेद थे उसमें और 10 अनुसूचियां थी। और भारत का जो नवनिर्मित संविधान है उसमें बहुत सी धाराएं इसी में से ली गई है। अब हम लास्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा है और वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। हमने इतिहास में यहां तक पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ा कि उसमें ये ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया, इसे 4 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत, ये डेट याद रखना है, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत 4 जुलाई 1947 पास कब हुआ 18 जुलाई 1947 में स्वीकृत बोल सकते हैं या संसद द्वारा पारित 18 जुलाई 1947 कितनी धाराएं थी इसमें 20 धाराएं इसमें थी। कितनी धाराएं 20 धाराएं इसमें थी। महत्वपूर्ण प्रावधान उंगलियों पे याद करने लायक है, क्या था सबसे पहला प्रावधान, दो अधिराज्यों की स्थापना। दो अधिराज्य कौन से, भारत और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दो अधिराज्यों की स्थापना, यही बोला था ना 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत, वो भी पश्चिमी सीमा पर होने के कारण वो वहां दिन निकल गया या मतलब परिवर्तन ही नहीं हुआ, यहाँ पे परिवर्तन हो गया, इसलिए वो 14 अगस्त को मनाते और हम 15 अगस्त को। तो दो अधिराज्यों की स्थापना 15 अगस्त 1947 को और वो है भारत और पाकिस्तान के रूप में। फिर दूसरा क्या था, दोनों अधिराज्यों के पृथक पृथक गवर्नर जनरल, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी, अब भारत में कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन बने। तो भारत के अंतिम वायसराय जो पिछली बार हमने छोड़ा, अंतिम वायसराय कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन, लॉर्ड
माउंट बेटन, या क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमने कहा तक छोड़ा था भारत के प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम वायसराय कौन? लॉर्ड माउंट बेटन। ऐसे ही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन, जो वायसराय था वो पद खत्म कर दिया और नया भारत बना और उसमें इनको गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि भाई हमने तो इसमें तो लिखा है नियम में, स्वतंत्रता अधिनियम में क्या लिखा है कि जो भी गवर्नर जनरल बनेगा वो किसकी सिफारिश पर बनेगा? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। जब अंग्रेजों से आजाद हो गए तो इनको गवर्नर जनरल बनाने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने अपना गवर्नर जनरल किसको बनाया? मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया। तो भारत, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान, स्वतंत्र पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। जब ये बात भारतीयों ने भी विचार किया कि भाई अब तो आजादी मिल गई, अब क्यों? तो फिर भारत में उसको हटा के किसको बनाया? राजगोपालाचारी। तो भारत का प्रथम भी और अंतिम भी गवर्नर जनरल को सी राजगोपालाचारी। कंफ्यूज होते हैं जरा शब्दों को समझना। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर, स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल थे, ठीक, कौन? सी राजगोपालाचारी। खत्म हो गई कहानी यहाँ पे। अब जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक शासन काय के अनुसार चलाया जाएगा। जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा, ठीक। शासन चलाने के लिए भी तो कोई विधान चाहिए, तो वो विधान कौन सा होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। जब तक दोनों देश अपने अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेते तब तक शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाएंगे। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब कुछ प्रांत ऐसे भी थे जहां पर हिंदू जनसंख्या भी थी और मुस्लिम जनसंख्या भी थी। जो मुस्लिम प्रांत थे उनको तो पाकिस्तान बना दिया, जो हिंदू प्रांत थे उनको हिंदुस्तान बना दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रांत थे जहां पर हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या थी, जैसे पंजाब और बंगाल। यहाँ पे हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया। क्या नाम था उसका? भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजन रेखा, रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और उन्होंने पंजाब और बंगाल का विभाजन किया गया। तो पंजाब जो है भारत की पश्चिमी सीमा पर था, तो पूर्वी पंजाब भारत को मिला और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान को मिला। इस प्रकार बंगाल प्रांत जो था वो भारत की पूर्वी सीमा पर था और उसका जब विभाजन हुआ तो पश्चिमी पंजाब भारत को, सॉरी पश्चिमी बंगाल भारत को मिला। वो है पूर्व में लेकिन हम क्या बोलते हैं उसे? पश्चिम बंगाल। क्योंकि बंगाल को यदि एक प्रांत माना जाए तो पूर्वी वाला भाग जो था वो बांग्लादेश को मिल गया और पश्चिमी वाला भारत को मिला। कई बार बोलते हैं साला बंगाल तो भारत के पूर्व में, उसे पश्चिम क्यों बोलते हैं? तो क्लियर हो गया क्योंकि उसका विभाजन किया गया तो पश्चिम वाला भाग भारत को मिला इसलिए पश्चिम बंगाल बोलते हैं, और पूर्वी भाग पाकिस्तान को मिला जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। और 1971 में वो स्वतंत्र देश बना बांग्लादेश। 1971 में वो क्या बन गया? बांग्लादेश। क्लियर हो गई यहां तक भी बात? तो एक असम का भी एक जिला था, यहां पर भी एक असम का एक जिला जहां क्या होना था, जनमत संग्रह होना था और वो जनमत संग्रह से किसको मिला? पाकिस्तान को मिला। पूर्वी बंगाल का एक हिस्सा बना, बांग्लादेश का हिस्सा बना, आज बांग्लादेश में है। असम प्रांत का कौन सा जिला?
सिलहट, सिलहट जिला, वो भी बांग्लादेश का हिस्सा बना। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने देखा भारत में संविधान की विकास प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई और 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक चली और उसके बाद में संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। अगला जो वीडियो होगा वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सार्थक पहल का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।